एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मेनली दो तरह के आपके पास लीनियर इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, एक होमोजेनस और एक नॉन होमोजेनस, है ना। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते थे होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, ठीक है। होमोजेनस यानी जिसमें हर चीज़ बराबर से मिली होती है, और हेट्रोजेनस यानी कि जिसमें हर चीज़ बराबर से नहीं मिली होती है। मिल्क और वाटर का मिक्सचर होमोजेनस होता था, भाई केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल मैथमेटिक्स में यहाँ पे जब आप लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो होमोजेनस और नॉन होमोजेनस क्या होता है, और इस बात को देखते हैं। या सपोज करो तुम्हारे पास तीन इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन ये है। ऐसे ही आपको पता है कि अगर तीन वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन है, अगर हमें तीनों की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस होने चाहिए, तभी मैं तीनों की वैल्यू बता पाऊंगा, ठीक है। ये वाली बात तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना, डी टू और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री, ठीक है। मैं आई हैव कंसिडर्ड थ्री लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। तो इसको अगर कभी भी तुम्हारे पास यहाँ तुम देखो तो यहाँ क्या है, एक्स वाई जेड ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं, जबकि डी क्या है, डी वन डी टू डी थ्री ये सब क्या है, तुम्हारे पास कोफिशियंट्स हैं, राइट, क्या कह लो कॉन्स्टेंट्स हैं। ए वन ए टू ए थ्री क्या है, दे आर द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स, डी वन बी टू बी थ्री दे आर द कोफिशियंट्स ऑफ वाई, एंड सी सी वन सी टू सी थ्री दे आर द कोफिशियंट्स ऑफ जेड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोफिशियंट्स का कोफिशियंट्स को हटा करके जितने भी मेरे पास कॉन्स्टेंट्स रह जाएंगे डी वन डी टू डी थ्री, अगर ये सारी चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, राइट, ये सारी चीज़ें डी वन इज इक्वल टू डी टू इज इक्वल टू डी थ्री, अगर ये तीनों चीज़ें जीरो के इक्वल हो जाती हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस। अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजेनस लीनियर इक्वेशन। और अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो है, राइट, कोई एक भी नॉन जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो पहले तो ये हमें समझ में आना चाहिए था कि किसको हम लोग होमोजेनस कहते हैं और किसको नॉन होमोजेनस कहते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज ईजिली अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ डेट यू अंडरस्टैंड सिस्टम ऑफ होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस, इट्स टाइम वेन वी शुड फोकस on the Cramer's rule for non-homogeneous linear equations, जो हमारे पास non-homogeneous होते हैं, यानी कि इनमें से कोई एक value कम से कम non-zero होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है सारी की सारी non-zero हों, but कम से कम एक तो non-zero होना compulsory है अगर हम उसको non-homogeneous linear equation के form में डालना चाहते हैं तो। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे तीन variables लिए, आप इसमें तीन discriminants बनाते हैं, ठीक है। पहला discriminant आप कोफिशियंट्स का बनाते हैं, लेट्स कॉल इट डेल्टा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशियंट्स का डिस्क्रिमिनेंट, जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट्स हैं, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है। ये आपने कोफिशियंट बनाया और डिटर्मिनेंट है, राइट, इस डिटर्मिनेंट की कुछ वैल्यू होगी, राइट। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो है तो हम क्या बोलते हैं, देन वी से दैट दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके पास यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है, मतलब एक्स वाई जेड की सबकी एक यूनिक वैल्यू होगी। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड की एक आपकी यूनिक वैल्यू होगी। अब वो यूनिक वैल्यू निकालते कैसे हैं, देखो उस यूनिक वैल्यू को हम ऐसे निकालते हैं, जैसे ये डेल्टा हमारे पास कोफिशियंट्स का था, ऐसे ही तुम डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीन अलग अलग अभी और डिटर्मिनेंट निकालोगे, वो क्या होता है, राइट। डेल्टा वन क्या है भाई, डेल्टा वन में कुछ खास नहीं, एक्स के जितने भी कोफिशियंट्स थे उसको तुम इस डी वन डी टू डी थ्री से रिप्लेस कर दोगे, राइट, डी वन डी टू डी थ्री से आप रिप्लेस कर दोगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, B1, B2, B3, and this would be C1, C2, C3. Similarly, आप Delta 2, Delta 3 भी create करोगे। Delta 2 में आपको क्या करना है, अब
जो y के कोफिशियंट्स थे उसको आप कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे, यानी ये कितना रह जाएगा a1 a2 a3 और b1 b2 b3 के जगह पे क्या जाएगा बच्चों, d1 d2 d3। एंड सिमिलरली आप डेल्टा 3 भी एक डिटरमिनेंट क्रिएट करेंगे। डिटरमिनेंट आपको पता है एक वैल्यू है, राइट? इन सबको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना डिटरमिनेंट हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि हम ये कैलकुलेशन आसानी से इसको डिटरमिनेंट को ओपन करके वी कैन डू दिस कैलकुलेशन। तो अब जो हमारे पास z के कोफिशियंट्स थे उसकी जगह पे मेरे पास कॉन्स्टेंट्स आएंगे b1 b2 b3 एंड दिस वुड बी d1 d2 d3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी? सो यहाँ पे जब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए होती है तो x कैसे मिलता है? x एक रेशियो है, क्या कैसे मिलेगा? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा से मिलेगा, ठीक है। y कैसे मिलेगा बच्चों? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा से मिलेगा। और z कैसे मिलेगा आपको? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा से मिलेगा, ठीक है। तो ये क्रेमर्स रूल का सबसे पहला तरीका है कि हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, ठीक है। और वो सॉल्यूशन है तो वो क्या है, x y z की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर ये तुम्हारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, राइट, ये जो हमारे पास ये वैल्यू थी ये कितनी थी? दिस वॉज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस वॉज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस वॉज केस नंबर 1। इसमें दो और केस भी तो हो सकते हैं, राइट? पहला केस क्या हो सकता है, राइट? या फिर कह लो सेकेंड केस क्या हो सकता है, पहला केस तो हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड केस क्या हो सकता है? सेकेंड केस ये हो सकता है कि डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास डेल्टा की वैल्यू जीरो हो जाती है, राइट, और जो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू भी तुम्हारे पास ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, इन सब की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो ये कहलाता है इनफिनाइट सॉल्यूशन। ये कौन सा केस होता है? इनफिनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि सब में तुम्हारे पास x क्या होगा, 0/0, y क्या होगा, 0/0, z कितना होगा, 0/0, ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो आपके पास क्या वैल्यू आती है? यू गेट इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। एक्स वाई जेड के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप इसको कभी लॉजिकली सोच के देखोगे, राइट, ज्योमेट्री के हिसाब से सोच के देखोगे, तो ये कौन सा केस होता है? जब ये तीनों के तीनों लाइंस को इंसिडेंट होते हैं, एक के ऊपर एक लाई कर रहे होते हैं, दैट इज द केस। एंड देर इज अ थर्ड सॉल्यूशन व्हेन यू हैव डेल्टा इज इक्वल टू जीरो बट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? डेल्टा 1, डेल्टा 2, है ना, मतलब दे आर नॉट इक्वल टू जीरो, ये चीज जो है ये तुम्हारे पास जीरो के इक्वल नहीं है। डेल्टा 1, डेल्टा 2, ये सब जीरो के इक्वल नहीं है, या कम से कम इनमें से एक जीरो के इक्वल नहीं है। तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट? दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, राइट? दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। अगर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसको इंटरप्रेट करोगे तो ये क्या हो गया भाई, डेल्टा जीरो हो गया, इसका मतलब इसके कोफिशियंट्स प्रोपोर्शनल है, और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये चीज जीरो नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास लाइंस हैं वो कैसी हैं? द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तीन लाइंस हैं, वो तीनों के तीनों पैरेलल हैं, तो अगर तीनों के तीनों पैरेलल हैं तो क्या वो कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं, अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उसको क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तुमने क्या क्या बातें सीखी? यहाँ तुमने पहले तो ये सीखा कि तुम्हारे पास जो सिस्टम्स हैं जो तुम्हें सॉल्व करने हैं क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग, उसमें होमोजेनस सिस्टम क्या है। अगर मेरे पास सारे के सारे कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे तो उसी को होमोजेनस सिस्टम बोलेंगे। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ नॉन जीरो है तो ये क्या बन जाएगा? नॉन होमोजेनस बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा नॉन होमोजेनस में हमारे पास तीन केसेस है, वी हैव थ्री केसेस। केस नंबर 1, जब मेरे पास ये जो कोफिशियंट्स का डिस्क्रिमिनेंट है जिसको हमने डेल्टा नाम दिया है, अगर ये चीज़ जीरो के इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, अपॉन डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा 2, डेल्टा 3 क्या है, ये हमने डिस्कस कर दिया, ओके। देन दो और केसेस क्या थे? अगर डेल्टा 0 है और बाकी के भी जो हैं वो सबके सब 0 है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, सबकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये कौन सा केस होता है? इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि तीनों लाइंस जो वो क्या एक के ऊपर एक लाई कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। और थर्ड केस हमने क्या देखा कि डेल्टा 0 है लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इनमें से कम एक जो है वो नॉन जीरो है, राइट? तो ये कौन सा केस है? दिस द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, ये लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जबकि फर्स्ट केस जो है तुम्हारे पास, राइट, जो वेरी फर्स्ट केस है, इसमें अगर आप देखें ये जो यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कैसा होता है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जो तीनों की तीनों लाइन है वो किसी एक पॉइंट से क्रॉस कर रही होंगी और वही पॉइंट क्या होता है? उनका सॉल्यूशन होता है।
ठीक है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड जहां से वो क्रॉस करती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ हमने सीखा कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और किस तरीके से इसको हम देखते हैं। सो व्हेन वी मूव टुवर्ड्स क्रेमर्स रूल फॉर होमोजेनस, राइट, इसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास तीन इक्वेशंस थी, a1x, b1y, c1z, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब देखो होमोजेनस है मतलब इक्वल टू तो जीरो होगा ना यहाँ पे, राइट, इक्वल टू तो जीरो होगा ना। अब अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल्स हम कंसिडर कर रहे हैं तो तीन इक्वेशन चाहिए, ये बात हमें बहुत स्टार्टिंग से समझ में आ रही है, राइट, दिस इज ऑल जीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3z दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या मैंने बनाया, आई हैव क्रिएटेड थ्री इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, राइट, एंड दे आर व्हाट, होमोजेनस, मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ दो सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, यहाँ पे अभी भी डेल्टा वही है, क्या, कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है, अभी भी ये वही है। लेकिन अब समझने की बात ये है कि हमारे पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये तो होगा ही नहीं, ये तो हमारे पास सबके सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो समझो इस बात को बहुत आराम से, राइट, जब कभी भी आपके पास यहाँ पे इस केस में, राइट, अगर तुम्हारे पास डेल्टा की वैल्यू, राइट, डेल्टा की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है, राइट, और दूसरा केस क्या है कि डेल्टा की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है, ठीक है, दिस इज़ योर केस नंबर 1, दिस इज़ योर केस नंबर 2। अगर बिकॉज डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो यहाँ पे कंपल्सरीली ज़ीरो है ही, बिकॉज उन सब की वैल्यू ज़ीरो है, समझने की बात तो ये है, ठीक है। सो इफ़ यू गेट डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास केस आता है इसको क्या बोलते हैं, ये होता है तुम्हारे पास इनफिनाइट सॉल्यूशंस का, क्या होता है बच्चों, दिस इज द केस ऑफ इनफिनाइट सॉल्यूशन, राइट, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे जब आपके पास डेल्टा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, जब आपके पास डेल्टा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ जो तुम्हारे पास केस आता है ये क्या होता है भाई, दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये देखो एक बस स्मॉल करेक्शन है, यहाँ तो इनफिनिट सॉल्यूशन दिस इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज वहाँ पे 0/0 का फॉर्म आता है, ये जो नो सॉल्यूशन है इसके जगह पे मैं इसको बोलना चाहूँगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। ट्रिवियल हमेशा एक ऐसा वर्ड होता है कि जो जनरल चीज़ होती है ना उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन में हमेशा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है, वो क्या होता है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब x, y, z तीनों की वैल्यू जीरो होगी व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही केस होते हैं, प्रीवियस वाले केस में हमारे पास तीन केसेस थे,